मैं हूँ मानसी राठौर। शहर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, वही महामारी फैलने का मुख्य कारण अभी सब्जी मंडी को बताया गया है। इसी को देखते हुए नगर निगम की टीम भीड़ लगाकर व्यापार करने वाले ठेलों पर कार्रवाई कर रही है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां बच्चे द्वारा बेचे जा रहे अंडे के ठेले पर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची और ठेले को पलट दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए, जिसकी बात बच्चा उन्हें कोसता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर नगर निगम इंसानियत के रास्ते से भटक चुकी है। नगर निगम द्वारा लोगों को समझाइश देकर इस नाजुक समय में सही कार्य करना चाहिए, बल्कि इंदौर नगर निगम के कर्मचारी अफसर दिन भर दादागिरी दिखाते हैं और लोगों के साथ हिटलर शाही वाला व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। आज फिर एक गरीब की गरीबी में आटा गीला किया गया, उसके ठेले से भरे सैकड़ों अंडों को सड़क पर फेंक दिया गया। ऐसे ही एक नज़ारा जहां ठेले पर एक बच्चे द्वारा बेचे जा रहे अंडे पर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने सैकड़ों अंडे से भरा ठेला पलटा दिया, जिसके बाद बच्चा उन्हें कोसता रहा। कार्रवाई के दौरान इस प्रकार के नज़ारे प्रतिदिन देखने में आ रहे हैं। अंडे का ठेला लगा रहे थे तो नगर निगम आई तो हमारा ठेला ढक्कन में डाल देते, हम लेते रहे तो धक्का दे दिया। धक्का दे दिया और क्या करा फिर? फिर हमको भी मारा भी। आपको मारा भी है? कौन था? नहीं पता, नाम नहीं पता। अच्छा, देखिए कल दोपहर बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था और उसको जब मैंने देखा तो वास्तव में मतलब एक द्रवित हो गए हम भी कि आखिर ये हम भी इस शहर के बाशिंदे हैं, इस शहर के प्रति हमारी भी जवाबदारी है। लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ कल जिस तरह का व्यवहार किया गया, वास्तव में मतलब उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वो मेरा तो ये भी कहना है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।